केजीएफ चैप्टर 2 में नजर आएंगी रवीना टंडन। सत्ता के बाद इस राजनेता के किरदार में नजर आएंगी अभिनेत्री। साउथ फिल्म की मशहूर हिट फ्रेंचाइजी केजीएफ की अगली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जल्द ही आने वाली है, जिसकी तैयारी बीते दिनों शुरू हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल अभिनेत्री रवीना टंडन नजर आएंगी। वो इस फिल्म में एक राजनेता का किरदार निभाने वाली है। आई खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अभिनेत्री रवीना टंडन का लुक और विचारधारा श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रेरित होगा। फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर अभिनेता यश और रवीना टंडन होंगे। सूत्रों के हवाले से आई खबरों में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी वास्तविक राजनेता को चित्रित करना इन दिनों बहुत बड़ा जोखिम है। जैसे ही आपने किया विरोध प्रदर्शन, करने वाले लोग आपकी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। इसलिए रवीना बहुत ही शांति से श्रीमती गांधी के और तरीकों का अध्ययन कर रही हैं और उन्हें आत्मसात करने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम अभिनेत्री रवीना टंडन की बात करें तो उन्होंने मधुर भंडारकर की फिल्म सत्ता में एक राजनेता की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस बार उनको किरदार पहले से काफी अलग होगा। केजीएफ चैप्टर 2 में रवीना अभिनेता संजय दत्त से टक्कर लेती हुई नजर आएंगी। आपको बात दें कि रवीना इस वक्त अपनी पीढ़ी की सबसे व्यस्त अभिनेत्री हैं। वो इस वक्त कई चीजों पर काम कर रही है। बीते दिनों ही अभिनेत्री रवीना टंडन को मशहूर डांस रियलिटी शो नच बलिए नौ में बतौर जज के तौर पर देखा गया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 साइन की।